यू आर करंटली लुकिंग एट वन ऑफ द शॉट्स फ्रॉम माई म्यूजिक वीडियो जो कि इस सैटरडे को रिलीज होने वाली है 30th of April 1 PM इंडियन टाइम। अब देखेंगे कि इस फ्रेम में ना कई जगह पे कुछ स्पॉट्स है। ये तब होता है जब कैमरे के सेंसर पे कुछ चिपक गया हो। इट कैन बी सम डस्ट, सम स्टेन्स या फिर एनीथिंग। ऑब्वियसली माई इनिशियल रिएक्शन टू दिस वॉज It definitely looks really unprofessional, but thanks to Premiere Pro, I was able to clear all of them. This technique is literally a game changer, and I feel ki har ek editor ko ye pata hona chahiye. There are two ways for this. If we zoom in, hum dekh sakte hain ki this is quite a big spot. Ab iske baju wala portion kafi zyada clean hai. Agar hum kisi tarike se is region ke pixels yahan pe replicate kar de, which is called cloning, by the way, to we can get rid of this spot quite easily. अगर आप फोटोशॉप यूज करते हैं तो यू विल नो दैट वी हैव द क्लोन स्टैम्प टूल ओवर देयर। सो प्रीमियर में ऐसा कोई डेडिकेटेड टूल नहीं है, बट व्हाट वी कैन डू इज लेट अस डुप्लीकेट आवर वीडियो लेयर। टू डू दिस सिलेक्ट योर लेयर, प्रेस एंड होल्ड ऑल्ट और ऑप्शन ऑन योर कीबोर्ड एंड ड्रैग द लेयर टू द ट्रैक अबव इट। ऊपर वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे एंड लेट्स कम टू द इफेक्ट कंट्रोल्स पैनल फॉर दैट लेयर एंड लेट्स सिलेक्ट द पेन टूल। विद द टॉप लेयर स्टिल सिलेक्टेड, जहां पे भी हमारा डस्ट स्पॉट है उसके जस्ट बाजू में से वी विल सिलेक्ट सम ऑफ द क्लीन पिक्सल्स दैट वी वांट टू यूज। बट द क्वेश्चन इज व्हाई डिड वी डू दिस, वीडियो लेयर को डुप्लीकेट क्यों किया। टू एक्सप्लेन दैट, फिलहाल ये जो मास्क है उसको मैं डिसेबल कर देता हूं। लेट मी टर्न ऑफ ऑल द लेयर्स। ऑलराइट, अब अगर मैं ये ऊपर वाले लेयर को एनेबल करता हूं, वी ऑफ कोर्स गेट आवर वीडियो लेयर बैक, बट हमें इस वीडियो के कुछ गिने चुने अच्छे वाले पिक्सल्स ही चाहिए, राइट? सो मास्किंग की मदद से हमने सिर्फ वो पिक्सल सिलेक्ट करे, बट इस वजह से बाकी पूरी फ्रेम ब्लैक हो गई। अब स्क्रीन पे हमें सिर्फ उतना ही पार्ट दिख रहा है जो हमने सिलेक्ट करा था। इसलिए हमने इस वीडियो लेयर को डुप्लीकेट किया ताकि व्हेन वी एनेबल द बॉटम लेयर इट फिल्स आउट द रेस्ट ऑफ द स्पेस। सो आई होप यू आर गेटिंग द प्रोसेस। सो फॉर द फाइनल स्टेप व्हाट वी विल डू इज ऊपर वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे, कम बैक टू द इफेक्ट कंट्रोल्स पैनल एंड बस अब इसकी पोजीशन एडजस्ट करके इसको लेफ्ट में ले आएंगे ताकि द स्पॉट विच इज सिटिंग ऑन द बॉटम लेयर गेट्स हिडन बाय द लेयर अबव इट। जस्ट सो दैट दिस डज नॉट लुक एब्रप्ट, वी कैन इंक्रीज द फेदर अमाउंट ऑफ द मास्क। इससे क्या होगा कि हमारे मास्क की जो एजेस है ना वो स्मूथ हो जाएगी एंड इट कैन ब्लेंड इन क्वाइट इजिली विदाउट एनीवन नोटिसिंग इट। एंड देयर यू गो, दैट्स हाउ यू रिमूव इट। अब अगर आपकी वीडियो में 5-6 स्पॉट्स है या फिर जितने भी स्पॉट्स है, यू जस्ट हैव टू ऐड अ न्यू लेयर फॉर ईच ऑफ दोस स्पॉट्स एंड रिपीट द सेम स्टेप्स। ये वाला तरीका इज अ गुड वन जब आपके शॉट में ना मूवमेंट ना हो, एज इन कोई कैमरा मूवमेंट ना हो या फिर मे बी कोई मूवमेंट हो बट स्पॉट के आजू बाजू वाले जो पिक्सल्स है वो ऑलमोस्ट सिमिलर हो। ये शॉट पहले तो एक ट्राइपॉड शॉट है एंड इफ वी लुक एट द स्काई काफी ज्यादा यूनिफॉर्मिटी है पिक्सल्स में एंड कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, राइट? सो फॉर द अदर केसेस जहां पे मूवमेंट हो रही है, you can try out this second method. I will delete the top layer. We only need one layer in this method. We come to the effects panel and we type dust. हमें ये dust और scratches वाला effect select करके video layer पे drop कर देना है। आगे बढ़ने से पहले एक बात, आप देखेंगे कि जैसे ही ये effect मैंने place करा, timeline का bar तुरंत red हो गया। Let me go one step back. You can see कि अभी red नहीं है। And if I place the effect, it turns red. जब भी ये होता है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये इफेक्ट बहुत ज्यादा पावर मांग रहा है। इसलिए जस्ट अ क्विक टिप, इफ यू आर यूजिंग दिस मेथड टू रिमूव योर स्पॉट्स, डू इट एट द वेरी लास्ट ऑफ योर एडिटिंग प्रोसेस। सारी एडिटिंग, कलर ग्रेडिंग, ऑडियो वर्क सब कुछ खत्म कर लो, उसके बाद ये करना ताकि एडिट के टाइम लैग्स ना आए। आफ्टर प्लेसिंग दिस इफेक्ट, वी सिलेक्ट द लेयर एंड वी कम टू द इफेक्ट कंट्रोल्स पैनल वंस अगेन। अब पहले तो ये इफेक्ट को डिसेबल कर देंगे जस्ट सो दैट द एडिटिंग इज स्मूथ। यहां से वी विल सिलेक्ट द एलिप्स मास्क एंड वी विल क्रिएट वन अराउंड आवर स्पॉट। जस्ट मेक श्योर दैट इट्स नॉट टू बिग, बस स्पॉट को कवर करे उतने ही साइज का चाहिए। लेट्स इंक्रीज द फेदर टू समवेयर अराउंड 30। सो वंस दैट इज डन, लेट्स एनेबल द इफेक्ट एंड बस ये रेडियस को इंक्रीज कर देंगे। दिस एक्चुअली डिपेंड्स ऑन योर फुटेज। मेरे केस में इट वर्क्ड समवेयर अराउंड 100। इसको प्रोसेस करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा एंड एज यू कैन सी द स्पॉट इज नाउ रिमूव्ड। अब अगर कोई दूसरा स्पॉट या फिर स्टेन या स्क्रैच हटाना है तो फर्स्ट वी विल डिसेबल दिस इफेक्ट, सिलेक्ट दिस मास्क, कंट्रोल सी कंट्रोल वी ऑन योर कीबोर्ड ताकि एक डुप्लीकेट रेडी हो जाए एंड बस अब ये सेकंड मास्क को सेकंड स्पॉट पे ले जाकर रिसाइजिंग करके वी कैन रिमूव दैट एज वेल। सो यस, दैट वॉज इट, वन ऑफ द मेनी वेज टू सेव योर शॉट्स इन पोस्ट प्रोडक्शन। अगर कभी अचानक आपको शूटिंग करते टाइम रियलाइज हुआ कि सेंसर पे डस्ट है
अब एवरी टाइम इट्स नॉट पॉसिबल राइट टू क्लीन आवर सेंसर. सो रादर देन पैनिकिंग इफ यू नो दिस टेक्निक्स दे कैन ऑलवेज हेल्प यू आउट टू सॉर्ट ऑफ गेट एन आइडिया कि कौन सा शॉट कितना बचाया जा सकता है पोस्ट प्रोडक्शन में. अगर कंटेंट पसंद आया हो तो गिव अ लाइक, इट ऑलवेज हेल्प्स द एल्गोरिथम. सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू हिट दैट नोटिफिकेशन बेल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कीप क्रिएटिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.